खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। विधानसभा की शुरू हुई मतगणना में शुरू से ही जिले की सभी 8 विधानसभा पर बीजेपी के प्रत्याशियों द्वारा बढ़त बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे बढ़त बनती गई तथा सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई। जिले के सदर विधानसभा पर पहली बार भाजपा का कमल खिलाने के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल सफल हुए। जिले में नवीन गल्ला मंडी में सुबह शुरू हुई मतगणना को रुझाने में बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। विधानसभा मल्लावा बिलग्राम गोपामऊ तथा बिलग्राम मल्लावा में कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष पाल कई चक्रों में सपा बसपा व भाजपा प्रत्याशी से आगे रहे। इसके अलावा गोपामऊ में सपा प्रत्याशी राजेश्वरी देवी व भाजपा प्रत्याशी विधायक श्याम प्रकाश में कांटे की टक्कर चलती रही। इसी प्रकार शाहबाद विधानसभा में भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच भी कई शहरों में आगे पीछे का खेल चलता रहा। इसके अलावा शेष सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा ने शुरुआती दौर में ही बढ़त बना ली थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अंत में जनपद की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराने में सफल रही। जीते प्रत्याशियों में सवाईपुर विधानसभा सीट से विधायक माधवेन प्रताप सिंह रानू ने, शाहबाद विधानसभा से विधायक रजनी तिवारी, गोपामऊ विधानसभा से विधायक श्याम प्रकाश, सांडी विधानसभा से विधायक प्रभाष कुमार, बालामऊ विधानसभा से विधायक रामपाल वर्मा, बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट से आशीष कुमार सिंह आशु विजयी घोषित हुए। जिले की सदर विधानसभा सीट से पहली बार भाजपा का कमल खिलाकर नितिन अग्रवाल ने विजयी होकर चौथी बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। जीते प्रत्याशियों के समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशी का इजहार किया। कितने मतों से आपकी जीत हुई है? लगभग 25,000। 25,000 किस विधानसभा क्षेत्र से? अच्छा, बस पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते मैंने विपक्ष के एक बड़े चेहरे को बेहद शानदार तरीके से हराया। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है संडीला में। कितने मतों से आपकी जीत हुई है? लगभग 35,000 वोटों से मैं जीती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं हरदोई के महान मतदाताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर, मोदी और योगी पर विश्वास किया, हमारे सभी प्रत्याशियों पर विश्वास किया और 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरदोई में जीत रही है और उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा है। पूरे प्रदेशवासियों की भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, मोदी जी का जो विजन है और योगी जी का जो मिशन है, ये स्पष्ट तौर पर उस विजन और मिशन की जीत है। मोदी जी की सरकार की योजनाओं ने जो आज़ादी के बाद पहली बार देश के उन योजनाओं का लाभ जो निचले स्तर तक पहुंचा है, उन योजनाओं के बदौलत और जो योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र है, उनकी ईमानदारी है, उनकी कर्मठता है, उसकी बदौलत हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते हैं। प्रदेश में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जब जनता का आशीर्वाद होता है, भगवान की कृपा होती है, तो इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं। हरदोई सदर की सीट पर इस बार बीजेपी जीत रही है, इससे पहले नहीं जीती है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जब जनता मेहरबान होती है तो सब कुछ होता है। नितिन जी, कहा जा रहा था आपकी राह में बड़े कांटे बिछा दिए, कांटे उधर रह गए, फूल आपके पास आ गया। ये तो हर चुनाव में कहा जाता है और मैंने तो कहता हूँ, मैंने तो अभी मीटिंग में भी कहा था कि जब मेरा चुनाव शुरू होता है तो कुछ लोगों की दुकानें शुरू हो जाती हैं और मुझे चुनाव हराने लगते हैं। मुझे पता है क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं और मेरे शुरुआत से मैंने देखा, मेरे चुनाव अभियान की जब मैंने शुरुआत करी थी, हरदोई के लोगों का जितना स्नेह मुझे मिला है, प्यार मुझे मिला है, मुझे पूरा विश्वास था कि ऐतिहासिक जीत होगी और आज अगर मैं जीता हूँ तो उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं हरदोई की जनता को देता हूँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।